हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की एमसीक्यू सीरीज। तो पहला चैप्टर हम लेकर आए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसे ही हम सब चैप्टर की चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। उसके बाद हम मिक्स केस स्टडीज लेकर आएंगे, मिक्स एमसीक्यूज लेकर आएंगे, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। तो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या दे रखा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। और उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग, या ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग या फिर मैनेजमेंट। और मेरे पास आंसर आने चालू हो गए हैं, और बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों, मैनेजमेंट। आई होप बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहां पर डेलिबरेट वर्ड से कोऑर्डिनेशन मत बोल देना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। गोल्स अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए होता, गोल अचीव करने के लिए हमको मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे ना ये डेलिबरेट प्रोसेस वर्ड के चक्कर में क्या आंसर बता देते हैं, कोऑर्डिनेशन बता देते हैं, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या हमारा, मैनेजमेंट। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा जरूरी होता है, नॉन प्रॉफिट, सर्विस या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों करो वीडियो को पॉज और बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। और जरा मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं कि मेरे पास क्या आंसर आ रहे हैं। तो मेरे पास जो आंसर आए बिल्कुल सही आंसर आए हैं, डी फॉर ढोल नगाड़ा मतलब ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही आंसर आया। बच्चों आपने मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बिल्कुल सही आंसर आपका। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या दे रखा है, मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और उसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये हमारी बेइज्जती हो रही है इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछ के, बट बच्चों बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, टफ से टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बस इस प्रोसेस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चन भी आएंगे, और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसके जो आंसर आए हैं बच्चों मेरे पास बिल्कुल सही आए हैं, आप भी वीडियो को क्या करो, पॉज करो और इसका आंसर मेरे को दो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर धन्नो, मेरे पास ऑप्शन आया था डी फॉर धन्नो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, ऑल ऑफ द अबव। आई होप बच्चों आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब जरा क्वेश्चन फोर के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों क्या दे रखा है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, कि गोल्स को हम कम खर्चे में पूरा करें, टाइमली गोल्स को अचीव करें, दोनों चाहता है या फिर कुछ भी नहीं चाहता है। तो बताइए बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, सी फॉर क्यूटी, बिल्कुल सही आंसर है मेरे पास, सी बोथ ऑफ द अबव। बच्चों मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो यही बोलती है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहले वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, एफिशिएंट पॉइंट दे रखा है, दूसरे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, इफेक्टिव वाला पॉइंट दे रखा है। तो बिल्कुल सही आंसर है सी फॉर क्यूटी, मतलब बोथ ऑफ द अबव। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दे रहा है, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो बताइए बच्चों एफिशिएंसी किसके साथ, एफिशिएंसी मतलब कंसर्न किससे करता है, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग राइट, अचीविंग द एंड रिजल्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों उसको एक बार देख लेते हैं, और मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत आ रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही तरीके से करना जिससे कम कॉस्ट आए, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिवनेस, लिख लो कहीं पे कॉपी पे,
और अगर आपको ये शीट चाहिए तो बच्चों आपको पता है कहाँ मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइएगा, टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगी और पीडीएफ फाइल आपको वहां मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डूइंग थिंग्स राइट। आई होप बच्चों ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं क्या बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए या नहीं हुए। तो मेरे पास जो कॉमेंट सेक्शन आ रहा है बच्चों, इसमें बिल्कुल सही आंसर आया, बी फॉर बकरा या बी फॉर बकरी, बकरी ने आंसर दिया था तो वो बकरी लिख रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों ये क्या पॉइंट दे रखा है, ये हमारा गोल ओरिएंटेड या फिर ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसका एक एक्सप्लेनेशन है ये कि पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करते हैं, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, गोल होता है। बिल्कुल सही आंसर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन जाने से पहले बच्चों अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूं तो बता देना, इसकी हम स्पीड थोड़ी सी तेज और कर देंगे, ठीक है, नहीं तो 1.25 पे आप चला लेना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। ध्यान रखना उसकी पोस्ट क्या दे रखी है बच्चों, ग्लोबल वो प्रोडक्शन मैनेजर दे रखी है। He has been given the task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured with the cost of rupees 150 per unit. Okay, within 10 days, मतलब उनको 1000 mats बनानी है, 150 रुपए की बनानी है और 10 दिन के अंदर बनानी है। तो तीन चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। In order to be acknowledged as an effective manager. अगर वो अपने आप को इफेक्टिव मैनेजर कहलवाना चाहता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना चाहता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट, द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट अ हायर कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर मैनेजर को अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना है तो नीचे दिए गए बातों में से कौन सी बातों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले बच्चों को पता है इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारे गोल्स अचीव हो जाने चाहिए टाइम पर, ठीक है, टाइमली गोल अचीव होंगे तभी हमारे लिए मतलब की बात है, ठीक है। और इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों की कम खर्चे में हो। तो यहां पर वो अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना चाहता है तो इफेक्टिव अगर उसे कहलवाना है, अगर उसे अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, काम को सही टाइम पर कंप्लीट करवाना पड़ेगा। क्या बोला बच्चों मैंने, अगर उसको अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना है तो उसे काम को टाइमली अचीव करना पड़ेगा, भले ही खर्चा ज्यादा क्यों ना हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट अ हायर कॉस्ट पर यूनिट। अगर वो अपने आप को एफिशिएंट कहलवाना चाहता है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी में से हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या दे रखा है, इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, राइट टास्क को करना, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, गोल्स को अचीव करना या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब जरा मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं, मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं और मेरे पास जो आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए हैं। इसका आंसर है अगेन डी फॉर डमरू, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन ही यही है कि इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। चैप्टर के पहले पेज पे ही डेफिनेशन दे रखी होगी, जरा गौर से पढ़ना। इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन यही है कि काम को कंप्लीट करना, गोल्स को अचीव करना। एक चीज क्लियर हो गई, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है,
जे इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। तो बच्चों वो कौन से लेवल पर, जरा ये बता दो, मार्केटिंग मैनेजर कौन से लेवल पर होता है? बिल्कुल सही गैस किया, वो मिडिल लेवल पर होता है। हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स, आई रिपीट, कितनी यूनिट्स बेचने के लिए उसे बोला गया है? 1 लाख यूनिट बेचने के लिए बोला गया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट विदिन 20 डेज। 20 दिन का टारगेट मिला है उसे, 1 लाख यूनिट से बेचनी है और कॉस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट ₹100। ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, बट ही हैड टू सेल द लास्ट 1000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट। मतलब उसको 1 लाख यूनिट्स बेचने का टारगेट मिला था, 20 दिन के अंदर उसने 99,000 यूनिट्स अच्छे से बेच दी, लेकिन जो लास्ट 1000 यूनिट्स थी उसको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ा, 20% डिस्काउंट देना पड़ा, क्योंकि उसको अपना टारगेट अचीव करना था। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? वो एक एफिशिएंट मैनेजर कहलाएगा, वो एक इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा, वो दोनों ही चीज कहलाएगा, या फिर कुछ भी नहीं कहलाएगा? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरा कमेंट सेक्शन देख लेता हूं मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं। ओके, काफी सारे आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। तो बच्चों हमको पता है कि दो चीजें होती है, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपका गोल अचीव हो जाना चाहिए। क्या इसमें हमारा गोल अचीव हो गया है? बिल्कुल सही हो गया है। उसने 1 लाख की 1 लाख यूनिट्स क्या कर दी है? बेच दी है। क्या वो एफिशिएंट है? क्या उसने कम खर्चे में काम किया? तो बच्चों 99,000 यूनिट तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन लास्ट 1000 यूनिट्स में उसको डिस्काउंट देना पड़ गया, मतलब उसको खर्चा करना पड़ गया। तो ऐसे केस में कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो कॉस्ट जब थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो वो क्या एफिशिएंट कहलाएगा? वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? वो सिर्फ इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव मैनेजर, क्योंकि उसने टाइम पर तो टास्क अचीव कर लिया लेकिन वो कॉस्ट को नहीं संभाल पाया फॉर लास्ट 1000 यूनिट्स। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? मैनेजमेंट इज सेट टू बी पुअर। आई रिपीट, क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज सेट टू बी पुअर इफ इट इज एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव, इफेक्टिव बट इनइफिशिएंट, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी भी बच्चे का गलत आना चाहिए। तो करें वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। और मेरे पास जो आंसर आया बिल्कुल सही आया है, सी फॉर कैट, मतलब वो बोथ इनएफिशिएंट होना चाहिए और इनइफेक्टिव होगा तभी मैनेजमेंट पुअर कहलाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर। वो अपनी नेक्स्ट क्वार्टर में 30% सेल्स को इंक्रीज करने का प्लान कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट Being highlighted in the given statement। बच्चों ये अब अच्छे क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो बताइए कौन सा फीचर आ रहा है इसके अंदर? तो सबसे पहले बात करते हैं कितने फीचर थे बच्चों हमारे पास, 7 फीचर्स थे। पहला फीचर क्या था? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, याद आ रहा है बच्चों? फिर क्या था हमारा? मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। फिर क्या था हमारा? मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक फंक्शन। उसके बाद क्या था? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, याद आ रहा है बच्चों? कुछ ऐसे ही बहुत सारे थे। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, सारे नाम नहीं ले रहा, 5-6 तो ले ही दिए, जरा इसको करेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बच्चों वो क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो है बी फॉर बारबी डॉल, मतलब मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि वो अपना गोल बना रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या करेंगे, 30% सेल को इंक्रीज करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं हो रही है। और मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, जरा रीड करेंगे। मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन
एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रन करना हो या जितना एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना हो. तो विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा जो फीचर है वो हाईलाइट हो रहा है. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. और मेरे पास आंसर आने चालू हो गए हैं, तो आप भी करो वीडियो को पॉज और बताइए बच्चों इसके अंदर आंसर क्या होगा. बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास, सी फॉर चमगादड़, मतलब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. बच्चों ने मेरे को चाइना की याद दिला दी, ठीक है ना. चमगादड़ बच्चों नहीं खाते हो चाइना वाले, तो हमें ऐसे ऑनलाइन ज्यादा नहीं पढ़ रहे होते, फिजिकल क्लासरूम में पढ़ रहे होते. तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, क्योंकि हमको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके अंदर क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है. चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई छोटी सी दुकान हो, सब में मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है. अब बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ओ माय गॉड ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इवनिंग का. तो बच्चों डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग. मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट. अजीब सी लाइन लिखी हुई, एक बार फिर से रीड करते हैं. मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मींस टू अचीव इट. दिस स्टेटमेंट इट्स रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव. पहले चलो आंसर बताने से पहले मेरे को ये बताओ ये तीनों पॉइंट्स आपने कहां पढ़े थे, पूरे चैप्टर में आपने कहां पढ़े थे बताओ. वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तीनों पॉइंट आपने कहां पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. तो मेरे पास जो आंसर आया है मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आया है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसके अंदर ये आंसर था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क. आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर डेफिनेशन ही दे रखी है मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमको काम करना होता है उसको गोल के रूप में लोगों को समझाया जाता है कि ये गोल्स हमको अचीव कर रहे हैं, और उसके बाद ये भी बताया जाता है, उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराई जाती है कि गोल्स को कैसे अचीव करना है. तो बच्चों आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ते हैं कि लोगों को हम दो तरीके से मैनेज करते हैं, पहला एज इंडिविजुअल और दूसरा एज अ ग्रुप, ठीक है. दो तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं. और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे होती है, क्या इनपुट की जरूरत है जिससे हमारा क्या हमारा मनपसंद आउटपुट निकले. तो बच्चों ये था हमारा आज पहला सेशन बिजनेस स्टडीज का. अकाउंट्स का आ चुका है, बिजनेस स्टडीज का आज आ गया है, कल केस का आएगा हमारा इकोनॉमिक्स का आएगा, और ऐसे ही हम ऑल्टरनेट डे बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं. एक वीक के अंदर क्लास ट्वेल्थ की आपकी 6 वीडियोस आएंगी, 2 अकाउंट्स की आएंगी, 2 इकोनॉमिक्स की आएंगी, 2 बिजनेस स्टडीज की आएंगी. एमसीक्यू सीरीज डेली रात को 8 बजे मंडे टू सैटरडे. तो आप अपना अलार्म लगा लेना, जैसी वीडियो आए आप वैसे कीजिए, या फिर जब आपको कन्वीनियंट लगे आप तब कीजिए, लेकिन एमसीक्यू सीरीज करिएगा जरूर, ठीक है. ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, आपसे लेंगे हम विदा, मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल, आप ही का चैनल है. अगर आप ही का चैनल तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको दोस्त को इन वीडियोस की जरूरत है तो प्लीज उनके संग शेयर कीजिएगा, अपने क्लासरूम के संग शेयर कीजिएगा. टिल देन पढ़ते रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, और अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय.